गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित इटोवा धुरा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान पुष्पा देवी हैं। लगभग 2800 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 2000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 550 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 260 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 13 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 30 सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान ग्राम इटौआ धुरा से बोल रही हूँ, पुष्पा देवी। गांव में 13 खरंजा एक सीसी करवा रही है और मैं ग्राम प्रधान बोल रही हूँ इटौआ से। पंचायत घर नहीं है, बारात घर नहीं है और इसके तीन विकास होना चाहिए। और गांव में शौचालय नहीं है, विकास नहीं है, मेरे गांव में इतना काम करवा दी। ग्राम पंचायत इटौदुरा से विकासखंड भैड़ी, मैं अपनी ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक के पद पर 2008 से नियुक्त हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में बहुत ऐसे कार्य हैं जो अभी तक हो नहीं पाए हैं। उत्तर बात करो, मेरे यहाँ मेरे गांव वालों को शौचालय की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत इटौआ धरा में ग्राम प्रधान के खाते में इतनी धनराशि आना चाहिए जिससे कि मेरे गांव वाले जो शौचालय के लिए परेशान है वो शौचालय बन जाए। और भी ऐसे अनेक काम हैं जैसे कि आवास। मेरे यहाँ इस वित्तीय वर्ष में एक ही आवास आया है और मेरे गांव वालों के लिए कम से कम 50 आवास की जरूरत है, अभी तक मात्र एक ही आवास आया है। मैं शासन अहमद प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय टौआ द्वारा। मेरे यहाँ 4 अध्यापक हैं, 2 शिक्षा मित्र और 2 अध्यापक, एक अध्यापक है। और मेरे यहाँ जो बच्चे हैं बैठने की व्यवस्था मैंने अपने स्वयं के पैसे से बेंचों की है और उसमें प्रधान जी का मेरे सहयोग दिया है। और मेरे यहाँ खाने की व्यवस्था सही है और प्रधान जी उसकी देख रेख बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और मेरे विद्यालय में 150 छात्र पंजीकृत हैं। और एक मर्श साहब सुशील पर हैं, अध्यापिका सुशील पर हैं, खाना प्रधान जी बनवाते हैं। 48 बच्चे पंजीकृत हैं, आज बच्चे 23 हो गए, एक बाद में आ गया 23 बच्चे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की हालत ज़्यादा ख़राब है इसकी और इसमें डॉक्टर भी लोग बैठने का कहते हैं, बैठता ही नहीं है। इसमें कोई भी डॉक्टर आज तक आए नहीं करते।